विगत दिनों महासमुंद लोकसभा अंतर्गत पश्चिमा ब्लॉक के ग्राम अकोरी में चुनाव बहिष्कार की बात चर्चाओं में थी। चुनाव बहिष्कार की शिकायत एसडीएम तक की गई थी, लेकिन एसडीएम द्वारा कोई सुध नहीं ली। सड़क और किसान बीमा का लाभ नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, मगर अब क्या कहते हैं वहां के ग्रामीण। हम लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन हमको पूर्ण आशा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, हमारा दुख दर्द को समझेंगे और इस जो बहिष्कार किए थे इसका समस्या का निवारण करेंगे। हमें पूरा विश्वास है और 110% हमें आशा है कि नरेंद्र मोदी ही आएंगे, हमारा समस्या का निवारण करेंगे। तो आप किस कारण चुनाव बहिष्कार किए हुए? बीमा के लिए, हमारे ग्राम को बीमा से वंचित किया गया था, रोड के लिए। कांग्रेस सरकार, तो उनका कहना यह है कि हम तो 18 से 20 दिनों में ही हम चुनाव बहिष्कार को लेकर, जब चुनाव को लेकर जो भी मुद्दे, जो भी वादे किए थे, उनमें से हम 36 वादों में से 18 वादे पूर्ण कर चुके हैं। क्या वो पूर्ण किए अपने 18 वादे? नहीं नहीं, ऐसे कोई पूर्ण नहीं किया। अभी सोसाइटी का जो ऋण माफी बोले थे वो जो रेगुलर हैं उनका किए हैं, जो पिछले साल जो डिफॉल्टर हैं, जो किस्ती बच गया था उसका नहीं किए। अभी लिखाने जाओगे फिर से ऋण तो नहीं बोल रहे हैं सोसाइटी वाले। एक सवाल और आपसे, ये मतलब उड़ीसा से क्या बोलते लगी सीमा है ये? हाँ ठीक है, जो कि यहाँ दारू मांस अधिक चलता है, तो क्या दारू उसी आधार पर चल रहा है जो चुनाव के समय जो वादे में थे, कांग्रेस सरकार के वादे में थे कि पूर्ण शराबबंदी किया जाएगा? क्या शराबबंदी हो दिख रही? नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी रोड में है, ये गड़फुलझर में रोड के सामने में है, भट्टी, उसी कारण तो एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो आपको क्या लगती है उम्मीद, क्या ये वादे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरे को कांग्रेस सरकार मुश्किल लग रहा है। आपका नाम क्या है आपका? मैं चमरुबारी। आपका ग्राम? अकोरी। अकोरी, धन्यवाद जी। बिल्कुल, शासन को क्या है दिखना चाहिए। हमने ज्ञापन सौंपा है उनको, ज्ञात कराया है कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं फसल बीमा अभी तक नहीं मिला है, प्लस रोड की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, और न्यूज़ वालों को देखना चाहिए। मैं आपसे करबद्ध मेरा निवेदन है कि ये जो गांव की समस्या है, उनको छोटी छोटी समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है उसको दिखाना चाहिए आप लोग को भी, और शासन को भी उसकी सुध लेनी चाहिए, क्योंकि रोड का स्थिति तो देख ही रहे हैं आप। हाँ। और फसल बीमा का जो है हमारे आसपास को मिल चुका है, हमारे गांव अंकोरी ही वंचित थे, इसीलिए हमने शासन को जाके ज्ञापन सौंपा है, एसडीएम को दिए हैं, थाने में दिए हैं, प्लस क्या बोलते हैं जनपद में, तहसील में, हमको मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे। तो उन अधिकारों अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है? अभी तक तो बिल्कुल नहीं, अब तक कोई आश्वासन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस कारण आप आए हैं यहाँ पे, क्या वोट डालने के लिए? क्योंकि हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो सारे लोग मिलके हम मतदान को हमने सोचा बाद में सब मिल करके कि नहीं अब हम चुनाव बहिष्कार को क्या स्थगित कर दें। चुनाव बहिष्कार किया, नेक्स्ट चुनाव मतदान करने आया। हाँ ये सही बात है। हाँ। क्योंकि हमने ये निर्णय लिया था कि हमें अधिकारी कर्मचारी मतलब कम से कम अधिकारी और कर्मचारी को अवगत कराना चाह रहे थे। बिल्कुल अवगत कराना चाह रहे थे, हमने वहाँ पे बोला भी था कि हमारी समस्याओं को बस ध्यान दिया जाए, इग्नोर कर रहे हैं बस और कुछ नहीं। अगर हम सड़कों और जैसा आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बीमा योजना से जो आपको लाभ नहीं मिला है जी, अगर हम उसकी बात छोड़ देते हैं तो पिछले 5 सालों में कितना विकास हो पाया इस गाँव में? वैसे विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ी है, इसीलिए हमने वही सारी मुद्दों, उसी सारी मुद्दों पे विचार करते हुए हमने चुनाव बहिष्कार का जो है फिर से बैठक रख के वापस लिए हैं, ताकि सशक्त भारत और मजबूत जो है प्रधानमंत्री देश को दे सके हम। एक सवाल और आपसे जी, मोदी सरकार ने जो वादे किए थे 5 सालों में, हाँ, अब तक वो पूर्ण हुए वादे? बहुत सारे वादे पूरे हैं उनके, कुछ बता पाएंगे आप? बहुत सारे, जैसे गांव में बहुत सारे विकास है, लोगों को घर आवास मिल रहा है, लोगों को स्थानीय स्तर पर काम मिल रहा है, सबसे गांव की जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है काम का, और वो मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, बदलाव हुआ है, और उसके मोदी के प्रति रुझान बहुत है, और आने वाले मतदान में ना उनकी संख्या, वोटरों की संख्या भी बड़ी है, प्लस बीजेपी आने वाले समय फिर से आएगी, मोदी अगेन मोदी। अकोरी गांव में आपको कितना प्रतिशत यहां लगता है कि वोट होंगे, मतदान होंगे? मुझे लगता है लगभग 90-95% मतदान होंगे। अब की बार आपको किसकी सरकार चाहिए? ओनली मोदी। कारण? मोदी ही राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र की रक्षा मोदी ही कर सकता है। और क्या आप चाहते हो? हाँ। जो सरकार आती है, हाँ, तो उससे क्या उम्मीद है आपसे? अभी जैसे आतंकवाद ना चरम सीमा पर है, और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगा तो सिर्फ मोदी ही दे सकता है, अन्य पार्टियों में किसी में दम नहीं है, इसलिए मोदी ही
सर्वोच्च है और मोदी ही अगला फिर बिठाएंगे मोदी को, मोदी ही देश की रक्षा करेगा, हर जनता की रक्षा करेगा, मोदी है तो सब मुमकिन है। मेरा एक सवाल था, पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी बीता छत्तीसगढ़ में जी, उसमें आपने बीजेपी की सरकार को नहीं चुना जी, मगर इस बार लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार वापस आ जाएगी, ऐसा क्यों, क्यों अलग छत्तीसगढ़ और भारत को लेकर? नहीं, आपका क्वेश्चन भी ठीक है, क्योंकि जो एक मुद्दा था अगला पार्टी कांग्रेस का, कर्जा माफ़ और धान 2500 रुपये का, क्या है हमारा देश जो है किसानों का देश है जी। किसान थोड़ा सा कर्जे में डूबे थे और उन्होंने लॉलीपॉप दिखा के वोट लिया है, और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, अगला 5 साल के बाद छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी की सरकार आएगा और केंद्र में मोदी सरकार ही आएगा। तो जो कर्ज माफी को लेकर जो उन्होंने वादा किया था 20 दिनों में पूरा करने की बात कही थी, क्या लगता है 20 दिनों में वादा पूरा किया? सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ बात ही किए हैं, आज तक किसी को प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जो अभी सोसाइटी में जा रहा है उसको अभी अगेन फिर से उसको कर्जा नहीं मिल रहा है और किसी को अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है, ये सिर्फ मतलब झूठ बोल के ही शासन बनाया है कांग्रेस ने, और देश की रक्षा मोदी ही करेगा, अगला 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनेगा। इस बार राहुल गांधी 72,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं करीब करीब 20 करोड़ लोगों को, क्या लगता है वो अगर जीत जाते हैं तो पूरा कर पाएंगे या कैसे पूरा? 20 करोड़ में एक गांव, 20 करोड़ हमारे कितना जनसंख्या है पूरे भारत में, 135 करोड़, 20 करोड़ में एक गांव का एक भी व्यक्ति मुश्किल से आएगा तो नहीं आएगा, ये टोटल जुमलेबाजी है, और अल्पसंख्यक जो हैं बोलना नहीं चाहूँगा उनको ही फायदा मिलेगा, गांव के एक आदमी को फायदा नहीं मिलेगा, उन्हीं के लिए है 72,000 रुपया बताया है वो, हमारे गांव के गरीब को, किसान को, किसी को नहीं मिलेगा, अल्पसंख्यक जो हैं हमारे जो भी हैं आप भी समझ रहे हो, उनको ही फायदा मिलेगा, और गाँव वाले को गुमराह करके उसने जो वादा किया है ये कभी कर नहीं पाएगा। यही है कारण चुनाव बहिष्कार को लेकर, जो ग्राम अकुरी के ग्रामवासियों ने चुनाव बहिष्कार को लेकर SDM तहसीलदार तक ज्ञापन सौंपे हैं। आइए देखें यहाँ के नज़ारा, जो जिस मुद्दे को लेकर उठे थे ग्राम अकुरी के निवासी। यहाँ की जनता जब बसना से निकलते हैं पदमपुरी अकुरी के लिए तो अधिकतर समय 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, लेकिन यहाँ आते ही उनको आधा से 1.5 घंटा लग जाता है। हम भी अभी आए हैं यहाँ रिपोर्टिंग के लिए, आज देखा गया है कि बसना से जैसे निकले हैं तो गढ़फुलर मार्ग होते हुए तो हमको कम से कम आधा से 1.5 घंटा लग ही गया है।